मुसलसल हिल रही है। अल्लाह की मखलूक, कहाँ से पास है? क्या हुआ? नहीं, इधर आ जाओ। दिन में और रात में काफी फर्क है। आप क्या स्मेल फील कर रहे हो? यहाँ ख्याल से आना, ये पत्थर जो है ना बिल्कुल ही एच पे है। कांटे बहुत है यार। हमारे अलावा अगर यहाँ कोई और मखलूक मौजूद है, क्या आप अपनी यहाँ मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं हमें नुकसान पहुँचाए बगैर? हमारे सामने आ सकते हैं हमें नुकसान पहुँचाए बगैर आप हमारे सामने आ सकते हैं? उस रूम में जाएं ज़रा, बस यहाँ ख्याल करना, कांटे बहुत हैं। करके हाँ। फौरन आवाज आई, कुछ करके हाँ। फौरन आवाज आई, यहां से आवाज आई। कपड़े कहाँ? क्या कर अंदर जाए? क्या आप अपनी मौजूदगी का की कोई निशानी दे सकते हैं? हमें नुकसान पहुंचाए बगैर आप हमारे सामने आ सकते हैं? कपड़ों वाले रूम में जाना जरा। इधर आ जाए। दौड़ के इस तरफ, इस तरफ। जैसे कोई खिड़की खुलने की आवाज आई। आई ना? बिल्कुल। कहाँ से? इस तरफ। उधर से। कोई गुजरा है कोई इधर से। बकायदा ये झाड़ियाँ हिली है। ये वाले? जी झाड़ियाँ हिली है। ये झाड़ियाँ हिली है। ये टेरिंग, ये देख, ये देखो खानदान, ये बन रहा है। ओए होए 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 होए, आपके पास क्लोज आ रहा है इसका? हाँ हाँ। नज़र आ रहा है? हाँ। मुसलसल हिल रही है। मुसलसल हिल रही है। हिल रहे ना? मुसलसल हिल रहा है। यहाँ से वहाँ से
ये देखें भाग रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा था, यहाँ कुछ था, बाजू नजर आई है, ये बाहर, यहाँ कुछ था, कोई भाग रहा है, नहीं यहाँ कुछ था, आवाज आ रही है कुछ चल रहे इधर कमरा देखे आवाज आ रही है कुछ चल रहे इधर कमरा देखे उस तरफ से आ जाए उस तरफ से झाड़ियों में कुछ चल रहा है देखे देखे इस तरफ आया इस तरफ कोई नहीं अल्लाह अकबर कुछ भी नहीं है पास है लाइट करें यहाँ पे अल्लाह की मखलूक कहाँ से पास है अल्लाह की मखलूक कहाँ से पास है ये बहुत सुन से बाहर से इधर बाहर आ जाए ये कहाँ से आ रहा ये मेरा ख्याल है कुछ टूट टूटा है उधर छत से गिरा छत से कुछ गिरा वहाँ से वहाँ से छत से कुछ गिरा छत से वहां तो पैदल में हाथ देखे अल्लाह के मखलूक क्या आप हमें नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सामने आ सकते हैं या कोई वाज़े निशानी दे सकते हैं अल्लाह के मखलूक क्या आप हमें नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सामने आ सकते हैं या कोई वाज़े निशानी दे सकते हैं इधर आ जाए वो देखो वो जगह भी गिरने वाली है कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए मीटर आ रहा है तो पूरी रेडिएशन है ओए होए रीडिंग आ रही यहाँ ज्यादा वहां ज्यादा उस रूम में है वही नजर आया था
वो कपड़ों वाले रूम में चेक करना ज़रा। अच्छा वो मैंने टॉर्च रख दी, आप फिर साथ साथ रहें मेरे। लाइट लाइट से गुजर के आगे जाए जरा, आगे जाए। ये तो अभी इधर इस पे लगा हुआ नहीं था दीवार पे क्या? ये गाड़ी यहाँ पे तो नहीं था ये? वो उस दरवाजे पे आगे री रखी हुई थी जब हम आ नहीं सके पिछली दफा। ये जो बिस्तर पड़ा है ना, यहाँ से जैसे कोई दीवार के पीछे गुजरा। ये झाड़ी देखें हिल रही है, सरसर हिल रही है। देख देख देखें देखें। हाँ लकी मखलूक, क्या आप हमें अपनी मौजूदगी की कोई निशानी दे सकते हैं? मुझे कामरान को हमें नुकसान पहुंचाए बगैर आप हमारे सामने आ सकते हैं? हमारा यहाँ आने का मकसद हरगिज आपको तंग करना या फिर आपको नुकसान। क्या है क्या है? गुजरे पीछे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। यहाँ से क्रॉस किए गए सर। इधर आ जाए सर, इधर आ जाए सर। कोई गुजरे? ओए 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 रिकॉर्ड हुआ? रिकॉर्ड हुआ? मैं तो डर लग गया, मैं पता नहीं कर पाया हूँ। अंधेरे देखें, हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं है। आप मेहरबानी करके अगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहें तो हमें नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सामने आइए। पत्थर इतना बड़ा आया है, ये देखो रीडिंग आ रही है। पत्थर इतना बड़ा आया है, ये देखो रीडिंग आ रही है। जाए जरा पत्थर की तरफ जाए, ध्यान से ऊपर से फिर ना गिरे, फिर ना गिरे। वो देखें पत्थर, इस पे जरा क्लोज करें, क्लोज करें पत्थर, पत्थर जरा दिखाएं। हमें नुकसान ना पहुंचाइएगा, अगर आप चाहें तो अपनी मौजूदगी का एहसास। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, किसी को बोलने की आवाज। ये देख ये देख, इधर आ जा, ये 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 वो पत्थर वो। अगर आप चाहें तो अपनी मौजूदगी का एहसास। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, किसी को बोलने की आवाज। ये देख ये देख, इधर आ जा, ये 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 वो पत्थर वो। ये पत्थर ये कहां से आया? यहां से। कौन सा वाला? वो 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 कोने में जो पड़ा हुआ है वो पत्थर वो। ये कहां से आया? ये किधर से आया भाई? देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, हम आपको बिल्कुल तंग करने नहीं आए।
मेहरबानी करें आप अपनी जिस तरह यहाँ मौजूदगी की, इधर जा, चलते हैं सर। बाहर निकलो जरा, बाहर। ये बहुत खतरनाक आज है। मुबीन साहब चले यार, वो पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े। एक मिनट, मुबीन साहब चले 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 आज है। आज अंदर नहीं जाना। मतलब एक वक्त में तीन चार जगह से, ये तो लग रहा है जैसे बहुत नाराज हो। अंदर नहीं जा रहा। नहीं, एक से मैं नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, मत जाएं अंदर। अंदर नहीं जा रहा, ये देखिए पत्थर फेंक रहे हैं। एक सेकंड, अंदर नहीं जा रहा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं मत, मेहरबानी कीजिए मत जाएं। ना करें, मत जाएं, ऐसे मत करें प्लीज। देखिए हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम बहुत दूर से आए हैं, हम आपके मेहमान हैं, ऐसे नहीं करें प्लीज। हम आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना हम पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद आपको तंग करना भी नहीं है, सिर्फ अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो अगर आप हमारे सामने आना चाहें किसी अच्छी शक्ल में, इंसानी शक्ल में, तो आ जाइए, मगर ऐसे मत करें। तो अगर आप हमारे सामने आना चाहें किसी अच्छी शक्ल में, इंसानी शक्ल में, आप हमें डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दफ़ा हमें तंग नहीं करेंगे, और ये तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप किसी निशानी से अगर चाहें तो मुझे इजाज़त दे सकते हैं, मगर कोई चीज़ फेंके बगैर। अंदर आने की इजाज़त है? कुछ नहीं। अंदर आने की इजाज़त है? नहीं जाए। हाँ? मेरी एक कोशिश। नहीं। अंदर आने की इजाज़त है? नहीं जाए। हाँ? मेरी एक कोशिश। नहीं, ये नुकसान है। नहीं, पीछे चलो। ठीक, चलो। ये था जी आज का एपिसोड। फाइनली बहुत बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल अब तक हमने जितने प्रोग्राम किए हैं, जितनी लोकेशंस पे हम गए हैं, इतना मेरा नहीं ख्याल कि कामरान हमें कोई भी टफ लोकेशन मिली हो। आपने देखा कंटिन्यूसली एक जगह पे बड़े बड़े पत्थर गिरे, चार जगह दूसरे रूम में बड़े बड़े पत्थर गिरे, और एक तो छत मैंने ये देख ली कि बिल्कुल उसमें सुराख भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सुराख के बावजूद बड़े पत्थर छत से गिरे। चार जगह से सेम टाइम, जैसे कि कोई नाराज हो जाता है ना, ऐसा लग रहा था कि ये लोग नाराज हो रहे हैं।
जैसे कि लोग यहाँ के बता रहे थे कि यहाँ रात को आप आ नहीं सकते, बाकायदा नाराजगी का इजहार किया। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दोबारा परमिशन लेने की कोशिश की, इजाज़त लेने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि निशानी दिए कि बता दें कि आप हमें इजाज़त दे रहे नहीं दे रहे। जैसे ही मैं बरामदे में मैंने कदम रखा, फिर पत्थर, फिर उसी तरीके से अंदर से आवाज़ें। सो मतलब इससे वाज़े निशानियाँ, और मैंने खुद एक हाथ देखा जो कि नहीं हो सका रिकॉर्ड। उस वक्त मेरा कैमरा दूसरी तरफ था, कमरान कमरे से बाहर था, पीछे वाली साइड पे एक हाथ पूरा मुझे इतना नज़र आया हाथ, और उसके अलावा पूरा बंदा एक सेकंड के अंदर जैसे गायब होता है, जहाँ पे पीछे बिस्तर पड़े हुए थे वहाँ से बंदा वहाँ से गायब हुआ है। छत पे चलने की आवाज़ें, बाहर भागने की आवाज़ें, मतलब मुसलसल एक्टिविटी, मुसलसल एक्टिविटी। पत्थर गिर रहे हैं बिल्कुल। और वो जो अंदर उसमें वो जंगल से वो बने हुए थे, वो चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ये अटैक है, हमला था। ये बकायदा जैसे एक वक्त में तीन चार जगहों से बाहर अंदर इधर उधर तक हर कमरे में एट द सेम टाइम इतने पत्थर और इतने बड़े बड़े। और एक आपने तो क्लोज में रिकॉर्ड किए ना, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, वो जाके देखेंगे कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। मुझे तो बकायदा यहाँ पे बाहर भी एक अक्स नज़र आया, वाइट जैसे कोई अक्स होता है, वो चलता हुआ जा रहा है झाड़ियों में से, वो यहाँ बाहर भी नज़र आया। मुझे लगता है मेरे कैमरे में है, वो हम देखेंगे, हुआ तो ज़रूर आपको दिखाएंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। बाकी ये थी जी हमारी स्पेशल एपिसोड ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू करक। करक आए यहाँ हमारे जितने भाइयों ने हमें बुलाया, हमारी मेहमान नवाजी की, तमाम उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बिलखसूस मैं बार बार कहता हूँ कि उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, कमेंट करते हैं और सजेशंस देते हैं। सबसे ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे लिए दुआ करते हैं, जो हमें कह रहे होते हैं कि अपने आप को आप सेफ करके चलें। आपको यकीन दिलाते चलें कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी जाएँ हिसार में जाएँ, और यकीनी तौर पर आयतुल कुर्सी अल्लाह का नाम पढ़ते हुए जाते हैं। और किसी हमारा मकसद किसी भी इस तरह की गैबी मखलूक को नुकसान पहुंचाना, तो पहुंचा भी नहीं सकते हम, उनको तंग करना हरगिज़ नहीं होता। अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं हम लेते हैं, बाकी मामलात होते हैं। शुक्र ये है कामरान के कोई चीज़ हमें डायरेक्ट हिट नहीं की, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे ऊपर किया हुआ। वो निशानियाँ इस तरह की थी कि जैसे वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, वो इस इतना शदीद गुस्से का इजहार। एंड पे जब वो पत्थर गिरे कंटिन्यूसली तीन चार जगहों से, उस पर मुझे ये डाउट हुआ कि अब मजीद अगर आप आगे आ गए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो मतलब हम इनसे मुकाबला तो कर नहीं सकते। एक मखलूक जो नज़र नहीं आती उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही हमारा मकसद किसी मतलब इनसे को मुकाबला करना है। इनकी निशानी लेना होता है, इनको देखना होता है। जितनी निशानियाँ मिल सकें आज के एपिसोड में आपने देखी। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो में याद रखिएगा।